पटियाला जेल दे विच बीबी कमलजीत कौर ने की बलवंत सिंह राजजोआने दे नाल मुलाकात। पिछले 28 सालों तो पटियाला दी जेल दे विच सजा कट रहे भाई बलवंत सिंह राजजोआने दे वल्लों एक बार फिर जेल दे अंदरों श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं चिट्ठी भेजी गई है। तो जिस चिट्ठी नूं लैके भाई राजजोआने दी भैन बीबी कमलदीप कौर दे नाल मीडिया नाल गलबात की है। बीबी कमलदीप कौर ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं भाई राजजोआने दे वल्लों दो वार चिट्ठी लिखी गई है, जिस विच उन्होंने कहा कि जिहड़ी अपील श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों सेंटर सरकार नूं पाई गई है वह वापस लिती जाए। सेंटर दे वल्लों शुरू तो ही वितकरा किया जा रहा। उन्होंने 20 दिन का समा दिंदिया होया कहा कि जेकर अपील ते गौर नहीं किया जाता तो वह 20 दिन बाद जेल दे विच भुख हड़ताल करनगे। बंदी छोड़ दिवस से श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार जी वालों अपने संदेश के विच उन्होंने वीर जी नूं भी अपील की सी, आदेश किए सिगे, ते दिल्ली कमेटी ते श्रोमणी कमेटी नूं भी आदेश किए सिगे। ते दिल्ली कमेटी नूं 15 दिनां दा समा सिंह साहब जी ने दिता सीगा। ते वीर जी राजोणा जी ने सिंह साहब जी नूं चिट्ठी लिखी आ, उहदे च उन्होंने यही कहा गा कि सिंह साहब जी मैं पहलां भी दो चिट्ठियां लिख के तुहानूं यही बेनती की आ कि जिहड़ी अपील श्री अकाल तख्त साहब जी दे आदेश ते पाई गई आ 12 साल पहलां, उस अपील नूं वापस लैण दी मंग की आ। वीर जी ने ये सिंह साहब जी ने यह कहा गया कि सिंह साहब जी भी भुख हड़ताल करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि जी 12 साल पहला अपील पाई गई है उस अपील वापस लिया जाए। तो वीर जी ने यह कहा गया कि सिंह साहब जी ने जोड़ा आदेश किया गा मैं वह सन्मान करदा सतिकार करदा हाँ, उस दे लिए मैं 20 दिन का समा दिना गा। 20 दिन के बाद जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब जी ने आदेश किया कि श्रोमणी कमेटी तो दिल्ली कमेटी फैसला करन दे लई जतन करे, तो उहदे ते देखा जाएगा कि 20 दिन श्रोमणी कमेटी श्री अकाल तख्त साहब जी के आदेश से ते दिल्ली कमेटी दे जिहड़ियां संस्थावां दे साडे आगू आ कितनियां गंभीर कोशिशां करदे आ इस मसले नूं हल करवाउण दे लई वीर जी का फैसला लैण लई, क्योंकि असीं तां 12 सालां तो जिहड़ियां साडियां संस्थावां दे आगू ने उहनां दीआं कोशिशां नूं देख रहे हां, पर इस 12 साल बाद भी उहनां दीआं कोशिशां दे बाद भी जिहड़ी अपील आ वीर जी दी राष्ट्रपति कोले उहदे ते फैसला नहीं आया हैगा। इसलिए वीर जी ने यही कहा गा कि मेरी तो यही मंग आ कि उस अपील नूं श्री अकाल तख्त साहब जी आदेश देण श्रोमणी कमेटी नूं वापस लिया जाए। क्योंकि वीर जी कहते कि जिहड़ा ये फैसला गा मैं बहुत ही सोच विचार से सारे हालातों नूं देखदे हुए लिया गा। जिहड़ी केंद्र सरकार आ वह बहुत ही मंदभावना दे नाल 12 सालों तो फैसला नहीं कर रही हैगी, तो जिहड़ी केंद्र सरकार 17 सालों तो जिन्हां ने वीर जी नूं फांसी चक्की दे विच बिठा रखिया गा 12 सालों तो अपील ते फैसला नहीं कर रही, उन्हां तो असीं कोई आस नहीं करदे हैगे। दूसरा मैं यह भी कहना चाहाँगी कि 12 साल हो गए साडे संस्थावां दे आगूआं नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी दे आदेश ते इस अपील ते फैसला लैण दे लई, पर उन्हां दीआं कोशिशां जिहड़ियां ने उह भी सानूं कोई सार्थक जतन उन्होंने लगे नहीं है, ना ही कोई सार्थक हल यदा होगा। तो यही चीज़ अज वीर जी ने कही है कि 20 दिन का समा वो जथेदार साहब जी के कहने देंदे ने, तो 20 दिन के बाद वो भुख हड़ताल शुरू कर देंगे। तो मेरी तो यही बेनती है श्री अकाल तख्त साहब जी को साडे संस्थावां दे आगूआं नूं कि 12 साल तुहाडियां कोशिशां दे नाल भी केंद्र सरकार ने अपील ते फैसला नहीं किया, श्री अकाल तख्त साहब जी की अपील होवे ते केंद्र सरकार उहदे ते फैसला ना करे, इस तो वड्डी मंदभागी गल होर की हो सकती है। तो मेरी तो यही बेनती है कि सिंह साहब जी वीर जी को भुख हड़ताल ना करनी पवे, 28 साल बाद भी जेकर वीर जी उस अपील नू वापस कराने के लिए भुख हड़ताल करनी पैंदी है तो बहुत ही मंदभागा गा। हाँ जी, 20 दिनों के बाद भुख हड़ताल शुरू कर देंगे वीर जी। देखो 12 सालों जिस अपील से कोई फैसला नहीं होया, सानू उस अपील से फैसला आने की वीर जी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ जी, श्रोमणी अकाली दल ने बंदी सिंह रिहाई की फार्म भराए थे, भावें कि भाई साहब का केस बिल्कुल लग गया बंदी सिंह नहीं बनता है, पर 30 लाख फार्म देने का समा नहीं है। श्रोमणी अकाली दल भी उस तो बाद यतन नहीं कर रहा, वो फार्म कितने ने ये बारे एस जी पी सी मैंबर ने भी सवाल
जी असं तो यही कहने कि श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार जी ने बार बार श्रोमणी कमेटी को आदेश किए हैं। हुण यही देखना होगा कि श्रोमणी कमेटी तो दिल्ली कमेटी के जिहड़े आगू साहबान ने उस श्री अकाल तख्त साहब जी के आदेश से किन्ने क जतन करते हैं, किन्ने क गंभीर होंगे ने। पहले दिन तो हर तरह का नशा बंद, नशा छुड़ाने च माहिर डॉक्टर गुप्ता 9651-77000 बिना तोड़ तकलीफ तो बिना दाखिल होए बिना काम छड़े हर तरह का नशा छड़ो। शराब, हैरोइन, स्मैक, अफीम, गांजा, चिट्टा, भुक्की, टीके, गोलियां, जीभ थले रखने वाली गोली तो छुटकारा पाओ। साड़ी दवाई 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। देश विदेश च दवाई भेजण दा खास प्रबंध है। पता आनंद दवाखाना, सामने बस स्टैंड पटियाला। डॉक्टर गुप्ता 9651-77000।